हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवमोनी। सो गाइस, आज हम नवरात्रि के ओकेजन पे अपनी राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, ये रही उनकी ज्वेलरी जो हमने अपने हाथों से बनाई है, जो कि बहुत ही सुंदर है, ये बेला। और ये रही उनकी ड्रेस, ये देखिए, इसी कलर कॉम्बिनेशन में कान्हा जी ने भी ड्रेस पहनी हुई है, ये देखिए, और जो कि बहुत ही सुंदर है। सो गाइस, देखिए, हमने राधा रानी को ये पोशाक उनकी पहना दी है। देखिए चोली और ये लहंगा, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन में। अब मैं इनको उनका कमरबंद पहनाऊंगी। तो ये देखिए, पिंक कलर की मैंने ज्वेलरी ली हुई है और ये सारी चीज़ें हाथ से मिली है। गाइस, आप भी यदि बनाना चाहते हो तो ये सबका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। बस धीरे से इनकी कमर पर रखते हुए मैं इसको पीछे से ऐसे पकड़ते हुए बांधूंगी। कुछ नहीं करना, डोरी है पीछे तो आराम से बन जाएगी। ये देखिए, हमने बांध दिया है और सेट भी कर दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इनको इनका नेकलेस बनाएंगे। ये देखिए, ये कुछ लरी वाला नेकलेस है, सेम डिज़ाइन का नेकलेस हमारे कान्हा जी ने भी पहना हुआ है। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, इसके पीछे एक बीट्स है, ये देखिए, इसको खिसकाएंगे तो ये खुल जाएगा। अब हम इनको नेक पे डालेंगे धीरे से। ये देखिए, इस तरह डालते हुए साइड से थोड़ा उनके ईयर से हटाते हुए धीरे से उनकी नेक पे डालेंगे, ये देखिए। और पीछे जो पर्ल है उसको हम डोरी से खींच देंगे तो सेट हो जाएगा। ये देखिए, गले से एकदम फिक्स हो जाएगा इनके, और सामने थोड़ा सेट कर देंगे तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये कुछ एक्स्ट्रा पहनाने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही नेकलेस में पूरा फिल हो गया है इनका, ये देखिए। अब हम इनको इनके इयर रिंग पहनाएंगे। ये देखिए, इनकी इयर रिंग है, इस पर ग्लू लगा हुआ है, ये देखिए। तो हम इनको इनके ईयर पर धीरे से ऐसे लगा देंगे, इनके पहना देंगे। इस तरह दूसरे ईयर पे भी पहना दूंगी मैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शाइनिंग बहुत अच्छी है इनकी। ये देखिए, मैंने दूसरे ईयर पे भी पहना दी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इनको आगे इनके बैंगल्स पहनाएंगे। ये देखिए, इसी ज्वेलरी के सेट के हैं ये बैंगल्स, तो इस हैंड में, ये देखिए, दोनों हैंडों में हमने इस तरह पहना दी हैं। दोनों हैंड्स उनके फिल हो गए हैं, चूड़ियों से एकदम भर गए। अब इनको इनकी हेयर भी पहनाऊँगी। ये देखिए, इनकी हेयर भी है आज की, तो बस कुछ नहीं, मैं इस तरह रख दूँगी। तो देखिए, इस तरह इनकी सेट हो गई है हेयर बिग। अब हम इनको इनका मांग टीका लगाएंगे। उससे पहले मैं इनको बिंदी लगा देती हूँ, जिससे सेट हो जाएगा कितना एरिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इनको इनकी बिंदी लगा देती हूँ रेड कलर पे, स्टोन पे। ये देखिए, अब ये तो सेट हो गई। अब मैं मांग टीका आसानी होगा, कितने हाइट पर रखना है हमें। ये देखिए, इनका मांग टीका है इस तरह ज्वेलरी से मैचिंग का ही है, और पिंक कलर की पर्ल है। इस पर ग्लू लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, इस हाइट पे रखना है जैसे, तो ये देखिए, मैंने ग्लू से फिक्स कर दिया है। ये हल्का सा नीचे मोती पे और ऊपर वाली पर्ल पे लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे इनको नोज रिंग नहीं पहनाऊंगी, मैं यहाँ पे एज अ नोज पिन जैसा इस स्टोन रख दे रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा, थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा, क्योंकि मैं इनको नोज रिंग तो हमेशा पहनाती हूँ, तो सोचा आज नोज पिन पहना दी। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है। अब मैं एक स्टोन इनके चिन पे रख दूँगी, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ये देखिए, मैंने कान्हा जी को भी रखा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। ये देखिए कि लिप के नीचे ये स्टोन रखते ही बहुत ही सुंदर लुक आता है। मैं इनको इनकी हैंड रिंग पहनाऊंगी, फिंगर रिंग, क्योंकि हमने बैंगल्स तो पहना दी थी पर फिंगर रिंग भूल गए थे। तो ये देखिए, इस पर ग्लू लगाते हुए इस तरह इनके फिंगर्स पे सेट कर देंगे। इसी तरह दूसरी, ये थोड़ी सी हैवी हैं, बड़ी हैं तो अच्छी लगती है उनके हैंड्स पे। ये देखिए, फिंगर रिंग तो हो गई है। अब हम इसके बाद इनको इनकी चंद्रिका पहनाएंगे। देखिए, नवरात्रि के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी हैवी चंद्रिका ली है। बस कुछ नहीं, इनकी पर्ल को सेट करते हुए यहाँ पे फेस पे लगाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए, पर्ल को आगे पीछे करते हुए हमने उनके फेस पे सेट कर दिया है। अब मैं इनके हेयर पे, जैसा कि हमेशा बेला लगाती हूँ, तो ये देखिए, बेला को मैं ऐसे पीछे बांधते हुए इनके जूड़े पर सेट कर दूँगी। तो ये देखिए, बेला भी हमने सेट कर दिया है, बहुत ही सुंदर लुक आया है हमारी राधा रानी का। और देखिए, इनकी चोटी को थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है, चैन लगाते हुए कुछ बीट्स रख दिए हैं, ये देखिए। और इनकी लॉन्ग सी चोटी जो है वो सामने आ गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। हमारी राधा रानी का श्रृंगार तो पूरा हो चुका है, एक फ्लावर उनकी चोटी के पास सेट कर दे रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस, इस तरह आप भी फ्लावर से चोटी को हैवी लुक दे सकते हैं। हमारी राधा रानी तो अब तैयार हो गई है, अब बस बची इनकी ओढ़नी। ये देखिए, पर्ल की है, बहुत ही सुंदर है। बस इसको इनके सिर पर रखते हुए और हम थोड़ा सेट कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की ओढ़नी है इनकी, बहुत प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी आज। ये देखिए, इनकी ओढ़नी तो सेट हो गई है। सो गाइस, देखिए हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं इनकी इत्र सेवा कर देती हूँ, इस तरह अपनी फिंगर पे इत्र लगाते हुए इनके पूरे कपड़ों पे, पूरे वस्त्र पे इस तरह लगा दूँगी। देखिए, क्योंकि इनके श्रृंगार पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनकी इत्र सेवा, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आज हमारी राधा रानी का श्रृंगार भी बहुत ही सुंदर हुआ है। अब मैं एक फ्लावर है रोज़ का, तो मैं इनके हाथों पे रख दे रही हूँ, ये देखिए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो आज हमारी राधा रानी तो तैयार हो गई हैं, ये देखिए। अब मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये सारी चीज़ें गाइस मैंने अपने हाथों से बनाई, यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कुछ भी चाहे तो आप बना सकते हैं अपने किसी भी विग्रह के लिए। ये देखिए इस टाइप की चंद्रिका मुकुट आप अपनी माता रानी के लिए बना सकते हैं। तो आई होप गाइस हमारा ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो, अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं अपने वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको दे सकूं। सो गाइस मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट श्रृंगार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।